उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा में बैकडोर भर्ती के बाद कर्मचारियों को बिना नोटिस के नौकरी से निकाले जाने पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में बिना नोटिस दिए कर्मचारियों को निकाल दिया कांग्रेस ने कर्मचारियों को निकालने की लड़ाई नहीं लड़ी थी बल्कि कांग्रेस ने बैकडोर से भर्ती करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी बता दें उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने विधानसभा में बैकडोर से हुई 250 भर्तियां रद्द कर दी थी चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों हो, उनकी नौकरियां लगनी चाहिए थी उनके स्थान पर अपने परिवार के लोगों को बैकडोर से इन लोगों ने नौकरियां लगाई क्या वो सामने आकर माफी मांगेंगे आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने सर्वोदय नेता होने का परिचय देते हुए सामने आकर ये कहा कि मैंने गलती की है और मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही मैं चुनाव हार के आज घर बैठा हूँ क्या जो राजभवन में बैठे हुए राज्यपाल महोदय केंद्रीय मंत्री महोदय राज्यसभा में गए हुए सांसद महापौर ये सामने आकर माफी मांगेंगे बच्चे चाहे